ये देखिए 9:53 हो रहे हैं और धर्मशाला से निकलने लगे हैं अभी। ठीक है भाई जी, मिलते हैं फिर। हाँ मैंने भी डलाना है। ये आ गया पेट्रोल पंप। गाइस टायर प्रेशर वगैरह भी चेक करा लिया है और अब सीधे निकल रहे हैं आगे यहाँ से। तेल भी डला लिया है। मस्त टी गार्डन्स आ गए हैं गाइस पालमपुर के, देख सकते हो आप ये साथ में मेरे। अरे भाई साहब बुलेट वाले भाई भी साथ ही चल रहे हैं गाइस, वाह यार। कौन कौन से गलियों गलियों वाले रास्ते से लेके जा रहे हैं मुझे। गाइस पालमपुर पहुंच चुके हैं इस टाइम, यहां से निकल रहे हैं हम आगे। शूटर शूटी हम साइड पे रुक के खाएंगे, आजा। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी गाइस लगभग ना बज रहे हैं 2 बज रहे होंगे, 1:30-2 बज रहे हैं। हेलो छोटे बच्चों, तो 1:30-2 बजे का टाइम है और सुबह जल्दी राइड करने से ना हमारा ये अच्छा हुआ कि हमने टाइम कवर कर लेना है अब ठीक ठाक। हाँ तो गाइज मैं कह रहा था कि यहाँ से हमारे को कुल्लू 100 किलोमीटर रह गए। हमने ये जो रोड पकड़ी हुई है कोई थोड़ा सा शॉर्टकट है ये 10-15 किलोमीटर का, बिल्कुल सेक्सी। और ये बीच बीच में जो रोड पे पड़े है ना ये बजरी सी, इससे बच के चलना पड़ेगा। एक गियर नीचे और कार्तिक भाई पीछे। अरे एनएच पे तो गाइस हम पूरा दिन आज चले ही नहीं है ऐसा लग रहा है। पूरा टाइम ये कार्तिक भाई ने हमको ऐसी ऐसे लिंक रोड पे चलाया है, शॉर्टकट्स के सो कॉल्ड शॉर्टकट्स जो होते हैं खेड़ी शॉर्टकट्स, उन पे जहाँ पे ना पुलिस का सीन ना कुछ, ऐसे ऐसे रास्तों में लेके जा रहा है ये मुझे। और काफी अमेजिंग राइड रही है यार, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं फेस करना पड़ा हमको और मस्त, बिल्कुल मजा आ गया यार। मैं तो सोच रहा हूँ अब भुंतर से आगे का क्या करना है, भुंतर से आगे मुझे अकेले को भी राइड करनी है टोटली, कि ये तो कुल्लू चला जाएगा भुंतर से और मेरे को जाना है आगे। वो आगे की जो राइड होने वाली है ना मुझे रास्ते का पता है ना। गाइस हम पहुंच गए कंडी टॉप और यहाँ पे देखो बहुत ही खूबसूरत, कौन सी माता, जोगनी माता। ओहो जय माता। और भुंतर पहुंचने वाले हम, ये बोल रहा है कार्तिक, भुंतर पहुंच के कराते हैं फ्यूल अप भी। भुंतर से अब मैं अकेला जा रहा हूँ आगे। भाई यहाँ देखना आगे से भारी हो जाएंगे, मैं टैंक फुल कराऊंगा दोबारा से, तेल भी मेरा खाली हो गया और दोस्त भी मेरा मुझे दगा दे गया है।
840 में हो गया हमारा सेकंड टैंक रिफिल। मनीकरण चौक भाई जी, मनीकरण चौक यही है ये, इधर कोई रास्ता कसोल वगैरह। गाइस ये मनीकरण चौक से हमने नीचे को ले लिया है लेफ्ट टर्न। तो ये देखो क्या खूबसूरत लग रही है ब्यास नदी। अभी देख रहा हूँ मैं ये पुल, पता नहीं कौन सा पुल है वैसे तो, पर वाह यार बहुत प्यारा लग रहा है। चिड़िया की आवाज सुनो, चिड़ियाओं की आवाज चू 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 चू। अरे ऑफ रोड, ये देखो गाइस ये शायद डिस्ट्रक्शन हुई है पिछले जो फ्लड्स के टाइम पे ना, ये सीन पानी हुआ है यहाँ पे। अभी तक जो मेरी बाइक इतनी साफ साफ थी ना, अब गंदी होने वाली है मुझे लग रहा है। और इस वाले हाईवे पे तो हम जा ही नहीं सकते, मेरे को लग रहा था यहाँ से जाएंगे मस्त, हमने तो यहाँ से जाना है। चलो कोई बात नहीं, हमेशा से हम अलग ही रास्ते में चलते हैं, तो देखने में स्टार्टिंग में ज़्यादा सुंदर नहीं होते पर बाद में बहुत सेक्सी निकलते हैं। ओ भेड़ा तेरिया हो, ओ चुग दिया भाट नीलमा। कार्तिक होता तो उसने पीछे रह जाना था यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ रोड भी आ जा रहा है ना बीच बीच में, ऑफ रोड पे उसकी बाइक पीछे रह जानी थी बहुत। अब ऐसे ही चलेंगे। गाइस अभी एक क्लिप डिलीट की यार, इतनी ज़्यादा स्टोरेज खा रहा है ना यार 360। यहाँ पे देखो मुझे कितनी देर रुकना पड़ा इस वजह से, अंधेरा अंधेरा भी हो गया है सुनसान सी रोड में। देखो आपका भाई कैसे रुका हुआ है आपको मस्त ब्लॉग दिखाने के लिए। एक ही साइड का रोड रह गया गाइस। अब मैं बीच बीच में जो गंदा रोड है ना, मुझे इरिटेटिंग लग रहा है। मेरी हेडलाइट में भी कुछ खास दिखता नहीं है गाइस रोड, अंधेरा होने से पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि अब ना ठंड भी होना चालू हो गई है काफी, समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ठंड। मैं पहुंच गया हूँ कसोल कसोल बाबा। देखो ये है कसोल, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ अब तोश वाली साइड कालगा, जहाँ मैं बोल रहा था जाने को। यहाँ से अभी आगे 10-11 किलोमीटर वो करते हैं अपना। मैं थोड़ी देर रुक गया यहाँ पे, माहौल देख के मुझे बढ़िया लगा यहाँ का, यहाँ भी आएंगे कभी, फिलहाल आगे चलते हैं। श्री मनीकरण ये है वो, देखो गाइस। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अभी मनीकरण, अभी वहाँ पे देखो फोग आ रही होगी। अभी तो गाइस मैं यहाँ से सीधा आगे निकल रहा हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा आ चुका है आप देख सकते हो। मनीकरण आपको कल लेके जाऊँगा, अभी आगे बढ़ता हूँ सीधा। गाइस अब मैं मनीकरण से भी आगे निकल गया हूँ वर्षैणी की ओर। सर ये मनीकरण कसोल वगैरह इतने ऐसे फैसिनेटिंग लगे ना कि मन कर रहा था इधर ही रुक जाऊं। सुनसान सा ही रोड आ गया है कोई ना, इससे मैं चल रहा हूं और आगे बरसैनी बुरशूनी पता नहीं कहाँ है ना, कोई यहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं ना, कोई लोग हैं ना, कोई दुकान है, तो मैं बस चल रहा हूँ। देखिए निखिल भाई के पास पहुंच चुका हूँ मैं। हेलो बारी, भाई ने ठिकाने हमेशा दुग्गे ही ढूंढे होते हैं, यहाँ पहुँच गए हम भी कालगा में। ये बाइक लगा दी है मैंने, यहाँ पे भी लगी हैं कुछ बाइक्स ना, तो इधर लगा दी मैंने इस साइड। अब यहाँ से ऊपर साइड हमने थोड़ा सा पैदल चल के जाएंगे, अभी फ़िलहाल ये बैग उतार रहे हैं बस, इसको मैंने बड़े सिस्टम से लगाया हुआ था क्योंकि मैंने और ऐश भाई ने ये हिला भी नहीं पूरे रास्ते इस हिसाब का लगा था। अब इसको उतारते और ले कर ऊपर चलते हैं। मतलब ऐसी सीखने की गाँव था ये बेसिकली, एक ढेर सारे सेब सूब के बगीचे थे यहाँ पे, और अब लोगों ने मस्त यहाँ पे कैफेज भी खोल लिए अपने अपने, पुराने घर वगैरह थे उनमें, और सेब से भी कमा रहे हैं और कैफे से भी मस्त। बिल्कुल
और एक डॉग लवर। अब रात को जैसे ही हम कैफे में पहुंचे तो वहां अंदर भाइयों ने जलाई हुई थी इस प्यारे से कुल्लू चूल्हे में आग, जिसने इस पूरे कैफे को अंदर से मस्त गर्म कर रखा था। मैं और भगत भाई तो बैठ गए उस चूल्हे के पास। इतने में निखिलेश और गोलू भाई ने आते ही बेड पकड़ लिया था, जो कि कुछ ही देर में हमें बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि इतनी हसीन जगह पर आकर भी अंदर ही बैठने का तो बिल्कुल मन नहीं था हमारा। तो मैंने और भगत भाई ने यह फैसला किया कि बाहर बॉनफायर का प्रबंध किया जाए, और जिसके बाद सभी ने हमें वहां ज्वाइन किया और फुल फील आ रही थी उसके बाद कि अब पहुंचे हम किसी पार्वती वैली में। अगली वीडियो में दिखेगी अगली सुबह, जिसमें हुआ हमारे साथ एक हादसा जिसने आगे की ट्रिप का पूरा प्लान चेंज कर दिया। गाइस ये देखो यार, आते ही किस चीज़ से स्वागत हुआ हमारा। बाइक का एग्जॉस्ट ही उड़ा के ले गए, एग्जॉस्ट गायब है, और मैं टैंक फुल करा के आया था अभी भुंतर से बड़ा अपने जाने, वो तेल भी सारा चोरी हो गया है। तेल भी निकाल लिया है और एग्जॉस्ट भी गाइस निकाल के ले गए।